भाई हम ई रिक्शा में नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है? आपको गलत फहमी है, ठीक है? मैं दिल्ली 6 में है। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जाम लगा हुआ है। सो बहुत ही बेवकूफ़ी होगी आपको बताने की अभी हम कहें, क्योंकि थंबनेल से आप सभी को पता लगी क्या होगा कि हम कहाँ पे हैं। सो बता देता हूँ अपने मुँह से भी, जामा मस्जिद में। सो अभी अभी रोज़ा इनका ख़त्म हुआ है और इफ्तार चालू हुआ है। सो ये वाली जो स्ट्रीट है मटिया महल, और प्लस आपको एक बंदे से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, आज है हमारे साथ गौरव भाई। ये देखिए पीछे देखो, पीछे और पीछे से बिल्कुल बिल्कुल भाई। सो आज हमारे साथ गौरव भाई। अभी ये इतनी बिजी स्ट्रीट है, यहाँ पे किसी का होश नहीं है, ठीक है? मैं भी अपनी व्लॉगिंग में चालू हूँ, चल रही है पर गौरव भाई को किसी ने जस्ट टोका और गौरव भाई थोड़े स्ट्रक हो गए, बट फाइनली अभी हमारे साथ है। सो गौरव भाई, आज हम कहाँ आए हैं और क्या क्या करने वाले हैं? आज हम आए हैं जामा मस्जिद के सामने, मटिया महल रोड है। यहाँ पे ऑब्वियसली सबको पता है कि यहाँ पे सारी जो फेमस चीज़ें हैं, अल जवाहर, करीम्स, कुरेशी कबाब, असलम बटर चिकन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आज हम वही है कि हर चीज़ किसी का थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, यहाँ का कल्चरल चीज़ें देखेंगे कि रोज़ा खुलने के बाद लोग कैसे यहाँ पे आते हैं, कैसे खोलते हैं, क्या क्या उनके डिफरेंट टेस्ट हैं, डेलिकेसीज हैं, उसी को ट्राई करेंगे। मोमडन भाई लोग हैं, ठीक है? इन सब का इफ्तार चालू हुआ, ठीक है? तो अभी ये दबा के खाना खाएंगे। मैं भी आपको दिखा देता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर। अब वो देख रहे हैं हमारे भाईजान को, ठीक है? वो अपना आराम से फीस ले रहे हैं। सो इस तरीके से ही चालू है और हमें भी ज़्यादा भूख लगी है, तो अभी हम अपना प्रॉपर फीस लेंगे। देखते क्या क्या है, जहाँ पर जो दिख जाएगा हम टूट पड़ेंगे, क्योंकि हम दिल से तो फूडी नहीं है, हम दिमाग से फूडी हैं। बट कहीं ना कहीं इस वीकेंड में अपना दिमाग मैं घर में छोड़ के आया हूँ और बनने वाले हम प्रॉपर फूडी, प्रॉपर चीज लगे। ये जो तारों का जंजाल देख रहे हैं आप, ठीक है? यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये जितनी भी शॉप्स है ना, मतलब कहते हैं 100 गज का प्लॉट, 80 गज का प्लॉट, यहाँ पे 20 गज में 4-4 फ्लोर बने हुए, 4-4 माले बने हुए हैं। ये जाल देख, तारों का जाल। तो हमारी स्ट्रैटेजी वही है, सबसे पहले स्नैक्स लेंगे। स्नैक्स में क्या कुछ प्रेफर, कोई प्रेफरेंस? स्नैक्स में स्टार्टर्स में सबसे पहले जो ये फेमस पॉइंट जिसके बारे में पढ़े, दिस इज असलम चिकन। और असलम बटर चिकन का ये है कि इन्होंने क्या चेंज किया था, इन्होंने चिकन टिक्का जो बेसिकली है उसमें बहुत ज़्यादा बटर डाल के और क्रीम डाल के उसको एक नया टेस्ट दिया था अपने मसाले के साथ, तो आज के डेट में बहुत फेमस है। तो अभी अगर सामने दिखाओगे ना तो इनका देखो टिक्का सारा है, तो सारी चीज़ें। और अगर इनका बटर का देखोगे ना, बटर का पूरा पतीला भरा होता है और गर्म बटर बिल्कुल उसमें डालते हैं, तो ये चीज़ देखो वहाँ पे उनके टिक्के लगे हुए हैं। ओए होए, बटर भी होगा भाई, बटर दिखाना। ये बटर है, वो क्रीम है, इनका स्पेशल मसाला वो है। देखिए बटर डालते हुए दिखाएंगे, लिटरली आप देख सकते हैं पूरी टिक्की डलेगी। ये देखिए, ये लिटरली अंगारों के ऊपर है पतीला, पतीले के ऊपर देखिए पूरी टिक्की बटर की तैर रही है, और कोई ऐसा वैसा नहीं, अमूल का ही बटर है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये इनका स्पेशल मसाला है, ये देख सकते हैं। अभी हम फटाफट से यहाँ पे ऑर्डर करेंगे क्योंकि भूख इतनी लग रही है, 1.5 घंटा हो गया हम निकले, 1.5 घंटा हो गया घर के। सो 1.5 घंटा हो चुका है घर से निकले हुए, अभी तुरंत के तुरंत हम ऑर्डर देंगे और सबसे पहले वाले जो मील है उसका लुत्फ़ उठाएंगे। सो अभी सभी लोगों ने बोला और जस्ट गौरव ने अपने मुंह से खुद बोला कि अभी जो बटर चिकन है, ठीक है, यहाँ की मेन स्पेशलिटी है। सो अभी बटर चिकन ऑर्डर करा है और 2 रुमाली भी ऑर्डर करिए। सो लेट्स सी, अभी तो थोड़ी प्रेपरेशन हो रही है। सब का जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सब का कलेक्ट करके लाए हैं। ये क्या है? बटर चिकन। ये हमारा है, आपका है? ये वही बटर है जो हमने मेल्ट करवाया था ना, जो अभी देखा था, बटर जो मेल्ट करवाई थी, क्रीम है और वही मसाला है। सो ऐसा कोई बहुत डिफरेंट नहीं है इसमें। सो ये वाला जो फीस है, ठीक है, ये हमारा पहला मील होने वाला है, ठीक है? अभी तुरंत के तुरंत रुमाली रोटी भी आ चुकी है। यार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, 2 घंटे हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि ये है ऑलमोस्ट 4th माला, हम 4th माले में बैठे हुए हैं, पता नहीं कैसा सीट मिल गई थी, बट मिल गई। कितना कैलरी है गौरव? ये जिम फ्री ही बता सकता है जो मेरे सामने बैठा है। मेरा अजम्पशन बता क्या कि कितनी कैलरी है ये? कम से कम 700 कैलरीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बटर चिकन की कैलरी 700 इजी। कई जगह देखा होगा बटर चिकन, राइट? सो यहाँ का जो बटर चिकन है, मैं बताता हूँ, मतलब यहाँ पे ये वाली जो ग्रेवी है ना, ये वाली जो देख रहे हैं, ये वाली ग्रेवी, कोई टमाटर प्याज की प्योरी नहीं, प्रॉपर दिस इज़ बटर चिकन। हेवनली हेवनली डिलीशियस, ऐसा मुंह में घुल रहा है ना। एरिया की खासियत है, इस एरिया की खासियत ये है कि आप खाने आओ, आप खाने वाले होने चाहिए, हम खिलाने वाले हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर अच्छी है तो फिर आप इसे खा सकते हो। अंकित तो मेरे से ज़्यादा जिम फ्रीक है, तो वो तो बहुत ज़्यादा खा सकता है।
इनिशियली जब गौरव ने बटर चिकन बोला था ना कि बटर चिकन, सो बटर चिकन से आपको क्या लगता है? बटर चिकन इज ऑल अबाउट 8 से 10 नान, पूरा फुल बटर चिकन, यू नो 12 से 13 पीसेस। असलम वाले के जो बटर चिकन है उसकी डेफिनेशन ही अलग है। इटली से गौरव ने बटर चिकन ऑर्डर करा था, और देख के मेरा पेट भर गया था। मुझे ऐसा लगा कि आज मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा इसके बाद, बट अब लग रहा है कि बहुत अच्छा खाया एक तो, और खाने की गुंजाइश है। सब बाहर का व्यू देख लो, ठीक है? ये है प्रॉपर सीजन। जाना कहाँ से एग्जैक्ट? तगड़ी भीड़ हो रही है भाई यहाँ पे। सो दिस इज गोना बी, जो हमारी फर्स्ट हंट होने वाली थी ये हमारी सेकंड हंट हो गई है। कुरेशी कबाब, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे हम प्रॉपर कबाब ट्राई करने वाले हैं। अभी आपको दिखा देता हूँ क्या ट्राई करने वाले हैं। देखिए पूरे आधे घंटे के स्ट्रगल के बाद नी में छुपा हुआ है ना गाइस, बहुत तगड़ी थी सुबह। और ये स्वेट दिख रहा है, ये जो स्वेट दिख रहा है ना, टेक अवे है। और ये लिटरली टेक अवे है जो बहुत जल्दी हो जाता है, जो 2 मिनट का काम है इनके पास। और अभी हम अब जगह ढूंढ रहे हैं कि हमें खाना कहाँ पे। 9 से 10 बज रहे हैं ना? 9 बज गए। हाँ 9 बज चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओवर क्राउडेड जो सिचुएशन होती है ना, ओवर क्राउडेड हो रखी है। आई डोंट नो हमें कहाँ पे जगह मिलने वाली है, ठीक है, इसको खाने की, बट कहीं ना कहीं तो मिल ही आएगी, ठीक है। हम फटाफट से देखने वाले क्या है कैसे है। अच्छा अच्छा, बढ़िया। आपका नाम क्या है भाई? क्या शमशान? तो आपने कर लिया अपने इफ्तारी वगैरह सब? पीछे बैठे हुए हमारे गौरव भाई, ठीक है, और यहाँ पे हमारे शमशाद भाई, ठीक है, जिन्होंने हमें प्रॉपर रास्ता दिखाया, ठीक है। अच्छे खासे कबाब थे, बट हमें कहीं जगह ही नहीं मिली खाने की, कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं। फिर हमें शमशाद भाई मिले और उन्होंने हमें बताया कि भाई हम तुम्हें जगह बताते हैं। टेस्ट करके बताता हूँ इसे, तो जो मैंने तोड़ा ना कबाब, बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो जाता है, माउंट मेल्ट हो जाता है। आउटर लेयर है क्रिस्पी, बट इनर लेयर है सॉफ्ट, नॉट लाइक टुंडे कबाब्स। टुंडे कबाब के जितना सॉफ्ट नहीं है, बट इट इज़ लाइक कि कबाब्स में जो सॉफ्टेस्ट हो सकता है वो ये है। ऐसे नहीं कि कोई सॉफ्ट कबाब नहीं बेच रहा, बट जैसे हम असलम बटर चिकन पे गए थे, दैट वॉज दी फर्स्ट पॉइंट जहाँ से ये चीज़ें ओरिजिनेट हुई थी, सेम चीज़ ये है फॉर आपका कुरेशी कबाब। ओके, यहाँ से कबाब ओरिजिनेट हुए जो सॉफ्ट थे, जो उनके मोटे सीख पे लगते थे। पहले कबाब पतले सीख पे लगते थे, उसमें हार्डनेस आ जाती थी क्योंकि लेयर बहुत मोटी होती थी। फिर उन्होंने मोटे सीख पे लगाए, लेयर्स बहुत सॉफ्ट हुई, बटर लगाना स्टार्ट किया। तो ये इनकी साइड से तो बहुत अच्छा है, हमने 2 पीसेस लिए। अब अंकित ट्राई करो आप, फिर बताना भाई। लिटरली मैं तब से सोच रहा हूँ कब से कबाब बने हुए हैं, ट्राई करना बनता है। ये रहे कबाब, ठीक है, ये गया प्याज, भाई ये गायब हो गए हैं। और ऐसे पूरा गायब नहीं, जो आउटर लेयर थी हाँ, थोड़ी हार्ड थी, बट और जितना अभी तक हमने खाया ना, उतना में लोगों का 2 दिन का 2 टाइम्स का मील हो जाता है। ये जो है ना, ये प्याज चब रहे हैं, मैं जो चबा रहा हूँ प्याज चब रहे हैं, कबाब पेट में जा चुके हैं, इतने तगड़े भाई, इतने तगड़े, एक नंबर, मज़ा आ गया। फ़ोन इससे भी महंगे हैं, कैमरे की वैल्यू वही करता है। हो गया सब्सक्राइब यार। भाई का नाम बता दो। राहुल नाम है। राहुल नाम है, आशु भाई ने सब्सक्राइब किया बिना पूछे किया, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे सब्सक्राइब करा उसके लिए एक हक तो बनता है भाई, दोनों भाइयों को आ गया भाई। ये सकरी गलियां, मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट आई एम डिलीवरिंग। तुम अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे चैनल, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा बताओ, क्यों कर रहे हो? कितनी मेहनत करता हूँ मैं, सब्सक्राइब कर लो यार। यार हमारे बेसिकली 2 चीज़ें तो पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब सबकी फेवरेट चिकन बिरयानी, पहले बेस बात ये यार,
भैया ये बताओ बिरयानी का बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे लिए? बहुत बढ़िया वाली बिरयानी, चिकन बिरयानी। ठीक है, चिकन बिरयानी। ठीक है, अभी तो हम उससे असलम से आ चुके हैं। ठीक है, और कुरैशी से आ चुके हैं। ठीक है, इस कारण हमने सोचा आपके पास आए। ठीक है, अभी ये है कि बिरयानी हमें खानी है। ठीक है, बिरयानी खानी है। बिरयानी आपकी चिकन वाली बेस्ट है। चिकन वाली बिरयानी ऊपर बैठ के खाते हैं? ऊपर बैठ के खाते हैं। ऊपर बैठ के दो हाफ लगा दीजिए यार, दो हाफ बहुत होगा। हाँ, दो हाफ बहुत है। वैसे पहले एक हाफ लगवा लेते हैं क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी खानी है, फिर बाकी पैक करवा लेंगे। अभी हम कुरैशी और असलम तो ट्राई कर चुके हैं, अभी हमारा जो गोल है, ठीक है, वो है हाजी इलिया मस्त चिकन। ठीक है, उसमें ये देखिए, ओए हो, क्या ये है? फ्राइड चिकन, और ये हमने करिए ट्राई हाफ चिकन बिरयानी। ये है KFC से, इसको आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेरिजन की KFC से आप आउटर लेयर में मत करो क्योंकि उनका बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्रेड क्रम्स एंड ऑल, बट अगर क्रिस्पीनेस पे आप बात करो तो दिस इज लाइक की वेरी गुड। सो मेरा मैं अपना वर्डिक्ट बताता हूँ। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द हेल दे गेट दिस राइस फ्रॉम, मतलब वॉट ऑल्स की हमने यार 60 रुपये में खरीदा, 60 रुपीज़ वी गॉट ऑल दिस, शो देम 60 रुपीज़ में हमने इतना लिए हैं, तो 60 रुपये में 1 किलो चावल लेके घर पहुँच जाऊँ तो मैं इतना नहीं बना पाऊँगा। बट द थिंग इज़ कि बिरयानी बहुत अच्छी है और प्राइस बहुत अच्छा है और खानी चाहिए। हर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए भाई मैं हर चीज़ चावल खरीद के घर पे बना लूँ। 110 रुपये में डबल चाबी वाला जो गोल्डन सील आई का वो सब मिलता है आपको, ठीक है, बट ये जो चावल है ना इसकी बात ही कुछ और है। हैदराबाद मेंशन करना भूल गया, हैदराबाद की भी नेक्स्ट लेवल बिरयानी, नेक्स्ट लेवल रिव्यूज़ है, बट दिस ये जो चावल है ना इसका एक्सपीरियंस ही अलग है यार, अलग अलग ही फ्लेवर फूड रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं चिकन की बात नहीं कर रहा कि चिकन बिरयानी है, मैं आपको राइस का रिव्यू दे रहा हूँ, राइस का मैन डिफरेंट, इट्स डिफरेंट। हेलो संचार भाई आ जाओ, इसका चावल ले, चिकन फेल ले भाई, नहीं खाना चिकन, अरे चावल दे दे भाई, तो वक्त मैं रात का टाइम है, दिल्ली 6 में मैं अभी पता नहीं किसी कौन सी गली में, मुझे भी नहीं पता, आपका नाम बता दो। आपका नाम बताओ दोबारा। नूर मोहम्मद। नूर गिर गया था, मुझे भी नहीं पता कहाँ गिर गया था यार, ठीक है, ये आवाज़ लगा रहे थे मुझे कि भाई कहाँ है, कैसे हो, कहाँ पे है, इग्नोर कर रहे हो, हमें लग रहा हो कि कौन आवाज़ मार रहा है, कौन हमें लूटना चाहता है, ठीक है, मुझे लिटरली लगा कि कौन लूटना चाह रहा है मुझे भाई, बट ये जो भाई है ना नूर मोहम्मद जी, ये हमें पकड़ गए, किस लिए? फोन कहीं गिर गया था भाई इसलिए। नूर मोहम्मद जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके यार, पर हाथ मिलाने के लायक जो है ना, हाथ मिला लो भाई, एक बार आपकी चीज आप तक पहुंच गई, इसके लिए कोई बात नहीं, ठीक है जनाब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट जी, गुड नाइट। बहुत अच्छा लगा आपसे। आई डोंट नो, ये जो फोन घर जाते नहीं मिलता ना, दिल जो दुखता है ना अपना फोन जेब में जब हाथ नहीं जाता भाई, मैंने सोचा है कैसा होता है, वो 5,000 का फोन हो चाहे 2,000 का फोन हो, जब जेब में हाथ डालो और वो फोन नहीं निकलता जेब से, वो आपका सीना काटता है। तुम इन गलियों में आ जाओगे ना तुम्हें खुद पता लगेगा तुम कहाँ खो गए हो, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मेरा फ़ोन कहाँ गिरा था भाई, पीछे से नूर मोहम्मद नाम का एक बंदा आया था, वो लिटरली आवाज़ें लगा रहा था, मैं इस बंदे को बोल रहा था कि भाई तेज़ चला, भाई वो पता क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि भाई तुम्हारा ना फ़ोन गिर गया, तुम फ़ोन लो अपना, हैं गौरव भाई, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, और दूसरा मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में अगर मेरा फ़ोन यहाँ गिर जाए तो मिलेगा नहीं कभी, मेरे को ये मानना भाई, सीधी सी बात है भाई, लिटरली गौरव भाई ने जो बोला ना कि मतलब लिटरली अगर पता नहीं कितनी गलियाँ, 300, 400, 500, 600, 1,000, 1,000,000 पता नहीं कितनी गलियाँ हैं यहाँ पे, और लिटरली अगर मेरा फ़ोन गिर जाए ना मैं पीछे पलट के ना जाऊँ भाई कि कहाँ गिरा क्या गिरा, मैं पता क्या कहूँगा, अरे छोड़ यार नया फ़ोन ले लेंगे, बट लिटरली जो भाई भागता हुआ है बंदा बोला भाई आपका ना फ़ोन गिर गया है, इक्वल टू नूर मोहम्मद की उसने मेरी इतनी हेल्प करी यार, लिटरली मेरा फ़ोन गिर गया था भाई कहीं पे। शमशाद भाई ये बोला, शमशाद भाई कहाँ गए, शमशाद भाई, शमशाद नंबर मिल गए, पता नहीं कहाँ, ये भी शमशाद भाई है भाई, ये भी शमशाद भाई है, ठीक है शमशाद भाई कमी नहीं है भाई, सही में जा रहे हैं भाई, गया गया शमशाद भाई।
शमशाद गायब हो गया, शमशाद गायब हो चुका है अब, ठीक है। यहाँ पे चार शमशाद घूम रहे हैं, ये शमशाद, ये शमशाद, शमशाद, शमशाद भाई कुरैशी का खा चुके हैं, ठीक है, अल जवार का खा चुके हैं, बटर, हाँ बटर चिकन फिश भी ट्राई करें, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। सो गाइस दिस इज शाही टुकड़ा एंड एवरीथिंग जो आपको मिल सकता है आफ्टर अ वेरी डिलीशियस योर मील। सो अभी हम शाही टुकड़ा खा रहे हैं। सो इट्स वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ, बट ये कि अंकित ओरिजिनल टेस्ट बताएगा। ओरिजिनल टेस्ट मैं कैसे बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा, चीज जो है सबसे ज्यादा लास्ट चीज जो है वो शरबत है मोहब्बत, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। तो ये देख लो यार, ओए होए होए, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, क्या बात है, क्या बात है, ये देखो दिल, ये तरबूज बिल्कुल दिल नहीं तोड़े होंगे, जैसा मोहब्बत है मेरे भाई, सब मोहब्बत है, मोहब्बत है, पक्का मोहब्बत है ना, हां मेरे भाई, मोहब्बत बिक रही है, मोहब्बत ही बिक रही है इसके अंदर, हां मेरे भाई, ये देखो ये, ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, ये कुछ बोलना बनता नहीं है, भाई बताएगा अपने मुंह से, भाई गौरव के मुंह से प्यार है, भाई के मुंह से मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत, क्या बात है, पर क्या, और ये गई एक नंबर टेस्ट, ओए होए होए होए, इतने में क्या लोगे, जान लोगे किसी की, ऐसे आपके होगा 60 रुपीस, 60 रुपए, भाई ये थी आखिरी आखिरी और आखिरी चीज जामा मस्जिद की, और मजा आ गया, मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं, एक नंबर भाई, ये हमारी मोहब्बत 10 साल से हम लगाते थे यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।